चीज की मानी नहीं जा सकती। अब अंदाजा लगाइए, पर हालत यह है कि हम लोग इजाद करदा लोग बन गए गालियों की बदखलाकी के जबानी एतबार से, गालियां ऐसी गालियां जैसी कोई इंतिया नहीं। तो यहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मीजान में अच्छे अखलाक से भारी कोई चीज नहीं होगी, और मामला यह हमारा कि अच्छे अखलाक की गैर मौजूदगी हमारे हर अमल में नजर आ रही है, बल्कि बुरे अखलाक से हम पहचाने जा रहे हैं। अरे वो एरिए मत जाओ, वहां बहुत गाली देने वाले लोग रहते, अरे वहां मत जाओ वो लोग धोखा देते, वहां सेल मत करो, अरे वो मंडी में माल मत बेचो वो लोग धोखा देकर माल बेचते, अरे फुला आदमी से बात मत करो वो धोखा देगा, इसके अलावा आपको कुछ काम ही नहीं कर, मतलब हम अपने धोखेबाजी से मशहूर हैं। जबकि कुरान ये गवाही दे रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दे रही है कि हमें अच्छे अखलाक पैदा करना चाहिए, और यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मीज़ान में अच्छे अखलाक से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होगी भारी आदत, मतलब सबसे हैवी जो चीज़ होंगी सबसे भारी चीज़ होंगी वो हमारे अच्छे अखलाक, याद रखिए। इसी तरह जो है सही मुस्लिम की रिवायत है नबी अकरम सल्लल्लाहु